कि मेहनत करे सफल होगा, आज नहीं कल होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ भाई कुलदीप केके। दोस्तों आज आपको रूबरू कराने जा रहे हम सर्कल कबड्डी के एक बेहतरीन रेडर। जब भी हम सर्कल कबड्डी की बात करते हैं तो सबसे पहले रेडरों का नाम गिना जाता है। स्टार रेडरों की बात करें तो नरेंद्र शीख का नाम स्टारों में गिना जाता है। तो आज हमारे साथ मौजूद है गांव सीख से एक बेहतरीन रेडर नरेंद्र सीख जी। तो सबसे पहले जी भाई साहब आपका स्वागत करते हैं हम हमारे चैनल में। राम राम जी सारे दर्शकों, मेरी तरफ से राम राम जी। नरेंद्र जी परिवार में कौन कौन है, इंट्रोडक्शन एक बार दे दो अपना। आपका नाम सच में नरेंद्र है या फिर कुछ और नाम भी है? ना बे नरेंद्र है जी। परिवार की बात करें नरेंद्र जी, इस परिवार में कौन कौन है? माता पिता है जी, एक सिस्टर है जी, एक भाई है जी, एक भतीजा है, दोनों भाइयों की शादी हो रही है जी। तो पहलवान जी आपकी भी शादी हो रही है? हाँ भाई। तो पहलवान जी कबड्डी की बात करें, कब आपने कबड्डी शुरू करी? मैंने 2013 में कबड्डी शुरू करी थी भाई जी, सर्कल कबड्डी जी। पहले नेशनल खेलिया था स्कूली। अच्छा जी, उसके बाद आपने सर्कल में आ गए? हाँ, फिर सर्कल में आ गया जी जी। पहलवान संदीप ने देख के जी जी, संदीप खेलिया था, चले जाते ग्राउंड में, फिर उन्हें देख देख कर खेलने लग गए जी जी। उन्हें मेहनत कराई जी जी जी। संदीप की बात करें, संदीप पहलवान जी बहुत बढ़िया खेले है, बहुत सारे इनाम भी जीते है। हाँ भाई, तो नरेंद्र ने भी कुछ इनाम वगैरह जीते हैं पहलवान जी? हाँ भाई, तीन मोटरसाइकिल जीत रहा हूँ जी, और काफ़ी इनाम है, LCD है जी, ये जीत रहा है जी। पहलवान जी हाइट वेट और बता दो अपने सभी दर्शकों को, जब आप खेल रहे थे जिस समय आपने खेलना स्टार्ट किया और आप गांव की टीम में खेलना शुरू कर दिया था, उस टाइम अपना हाइट और वेट कितने थे? मेरा 5'9" हाइट है जी, और भाई 95 किलो वजन था जब मैं जी। तो पहलवान जी जब भी ना कोई भी व्यक्ति या कोई भी खिलाड़ी या कुछ भी काम करता है ना, तो उसमें ना बीच में अड़चन बड़ी आ गया है। हाँ भाई, अड़चन भी शुरुआत हुई जब आपकी खेल की, जब कुछ अड़चन आई हो, कुछ याद हो? अड़चन आई, टांग टूट गई थी शुरुआत में। अच्छा जी, खरकड़ा बाटिल खरकड़ा जी जी, इस हार में उड़ टांग टूट गई थी जी, ये अड़चन आई थी बड़ी जी। पहलवान जी आपने बताया कि ना आपके चोट लगी थी, और हरियाणा में ना बहुत सारे खिलाड़ियों को चोट लगी है, पर जितने समय में आपने वापसी करी, जितने समय में आप दोबारा फिर ग्राउंड पाए, ऐसे क्या था, क्या जुनून था अंदर के ना दोबारा फिर खेल में इतनी जल्दी आपने वापसी करी? जो बस खेल का जुनून था जी, और भाई साहब जुगर एक पहलवान ने मेहनत इतनी करवा दी थी जी, अगर फालतू जुनून ने इतना भर दिया था, अगर प्लेयर बनना है। अच्छा जी, संदीप पहलवान ने जी, उसने बस तड़की सांध इतनी मेहनत करवा दी, गणी करवा दी जी। पहलवान जी आदर्श किसको मानते हो आप खेल के अंदर अपना, भाई कबड्डी में मैं तो इसको आदर्श मानता हूँ, यही एक ऐसा खिलाड़ी था जिसने देख के आज मैं सीख गया हूँ? संदीप पे था, संदीप ने जो करवा, संदीप ने करवा था जी, जो रेखा दी बाज बिजार दे ग्राउंड पे, ग्राउंड में लार घर क्या तक कह दें ग्राउंड में जावा, हाँ बाहर चले जाते, कूड़े तो पकड़ के लिया। अच्छा जी, फिर घर क्या निकलता घर के छो मानते जी, वो भी भाई बड़ी मेहनत करी। हाँ, गुरु ये था, उन्हें थप्पड़ मार देता जो वो भी सहन करने पड़े थे, सारा सौदा करना पड़ा था जी। पहलवान जी पढ़ाई कितनी करी है? पढ़ाई भाई 12 प्लस 2 करी है। पढ़ाई में कितना इंटरेस्ट था पहलवान जी? बस पढ़ाई में कौन था, जितना खेल में था। अच्छा हाँ। अच्छा पहलवान जी पढ़ाई में नहीं था कि कुछ सब्जेक्ट इसे देखा था, सब्जेक्ट को याद है जिसमें इंटरेस्ट हो? ना बस खेले में इंटरेस्ट, खेल में था इंटरेस्ट। तो पहलवान जी मास्टर मुस्टर में फिर तो बड़े लगे होंगे डंडे डंडे तो एक आधी में?
हाँ लागे वह डंडे भी लागे सारा सौदा भाई स्कूल सब ने वेरा किसी के सही बात है सब के लागे जुड़नी पड़ता और जरूरी भी है पहलवान हाँ जरूरी भी है जी पहलवान जी स्कूल में तो ही बाजे जो कर ग्राउंड में कह रहे थे बाज जाओ करते स्कूल में तो ही बाजे हो करते बंक बैंक एक आधी बदले यू भी हो जाए बाद बादलों में पड़ जाए सा टीम भी है जब बाज जाते मतलब वो दिन याद आवे पहलवान जी हाँ ये तो दिन याद आवे हैं जी पहलवान जी फिल्म की बात कर रहा है फिल्म फिल्म भी देख लिया करो ना कुछ नहीं फिल्म फिल्म और टीवी टीवी का क्या का शौक नहीं था अच्छा बस कबड्डी का ही शौक था जी अरे पहलवान जी आजकल सोशल साइट्स भी होनी चल रही है फेसबुक हो गई इंस्टाग्राम हो गई ट्विटर हो गया ना भाई कुछ कुछ नहीं अच्छा अपना नॉर्मल हाँ अच्छा जमा पहलवान जी डाइट वगैरह के लेते हो पहले के लेते थे डाइट में भाई दूध आज है या बादाम बदूम ले लिया थोड़ा वो प्रोटीन प्रोटीन ले लिया हाँ पहलवान जी गाँव की टीम में खेल लो गाँव की टीम के अलावा भी कई बार खेल लो गाँव की टीम में भी खेल लिया बाहर भी खेल लिया पहलवान जी बेस्ट आए हो सॉरी पहलवान जी पहली बार बेस्ट कहाँ आए थे आप पहली बार बेस्ट गांव में आया था पंचायती मैच हो रहे थे जी जब आया था जी के इनाम जीते थे उसमें याद हो कुछ हम 3100 रुपये थे अच्छा जी अच्छा पहलवान जी इसके अलावा कित कित बेस्ट आए हो बेस्ट तो भाई के बताऊँ कई जगह आ लिया अच्छा जी पहलवान जी बाइक कितने जीती आपने 3 बाइक जीती है भाई अच्छा जी एक LCD जीती थी जी और प्राइज बहुत जीते जी पहलवान जी बेस्ट जो ग्राउंड की बात करा है जिसमें आपने खेल के घना मजा आया हो जो ग्राउंड आप कभी जिंदगी में भूलना नहीं चाहते भाई यो यहाँ मैच खेल रहा हूँ अरे मैं ग्राउंड कभी भूलना नहीं चाहता ऐसा कोई ग्राउंड हो मायड का भाई अच्छा जी मायड बाइक जीती थी जी उड़ा बहुत मजा आता खेल दिया अच्छा जी हाँ। किसके खिलाफ खेले थे फाइनल खरक जाटन के लिए खेले थे अच्छा जी पहलवान जी आपने बताया कि ना आप संदीप पहलवान ने आपकी बढ़िया तैयारी करवाई हाँ पहलवान जी उस टाइम में जिस टाइम आप मैच बाहर बैठ कर देखा करते उस टाइम आप आपकी नज़र में सबसे बढ़िया बेस्ट रेडर कौन था आपकी नज़र में हरियाणा के अंदर पहलवान सुभाष रेडियाव था अच्छा जी अरे उस टाइम में कैचर की बात करें तो कैचर तो भी भाई अपना पहलवान ने संदीप पहलवान ने हाँ और पहलवान जी आज के समय के खिलाड़िया की बात करें तो आज के समय में जो खिलाड़ी है उनमें बेस्ट रेडर कौन है विनय भाई विनय खत्री हाँ और कैचर की बात करें पहलवान जी बिल्ला बल बेड़ा हाँ काफी अच्छी टीम रही है बिल्ला बल बेड़ा की हाँ। मिल्ला है बिल्ला है हाँ। काफी अच्छे खिलाड़ी रहे हैं गोली है जी पहलवान जी गांव की टीम से बाहर भी खेला आपने बताया पहलवान जी ऐसी कोई टीम याद है जिसमें खेल का आपने मजा आया हो हाँ बखर आयर थी अच्छा जी आयर में खेले मजा आया अच्छा जी कोई टीम ऐसी भी होगी पहलवान जी अपोजिट में खेल गए जिसके मजा आया हो खरक गेलिया खेले आज आप बता रहे हो खरक गेले खेले हाँ जी खेल दिया बलबेड़ा में भी कई बार खेल लिया हूँ बतेरी बार खेल लिया हूँ उसमें भी मजा आ रहा पहलवान जी कबड्डी में बहुत बढ़िया दोस्त भी होंगे आपके कहते हाँ भाई अच्छा कोई ऐसा दोस्त हो जो गाना मतलब हंसी मजाक वाला दोस्त हो कोई कबड्डी का ये बिल्ला है अच्छा बिल्ला प्रवीण फोरडरा है बिच्छू है जी काला लाठिया है जी ये बहुत अच्छे दोस्त हैं पहलवान जी कई बार ना पहले कोई भी खिलाड़ी है कोई भी व्यक्ति है उसके ऊपर ना बुरा वक्त भी आता है अच्छा भी आता है कोई ऐसे व्यक्ति याद हो आपको कोई ऐसा खिलाड़ी याद हो जो आपके बुरे टाइम में आपके साथ खड़ा हो आपका मतलब पूरा साथ दिया हो जिसने भाई पूरी टीम है मेरी जो गांव की टीम है जी और गेले गांव का सहयोग भी बढ़िया था जी हाँ पहलवान जी परिवार की तरफ से कितना सहयोग मिल रहा है खेल के अंदर पूरा सहयोग परिवार की तरफ तो मिल रहा है भाई जी पूरा सहयोग गांव की तरफ है हाँ जी टांग टूटी पूरा जमा जुगर का आ रहे हो सहयोग में रत दिया वो गांव ने पहलवान जी 2015-16-17 की बात करें 2016 के अंदर आपकी टीम बढ़िया प्रदर्शन भी करा 17-18 आपने सीरीज जीती 17 के बाद जो सी गांव की टीम एकदम लुप्त हो गई क्या कारण रहे थे यू कारण भाई बायरपाल की गुजरने के कारण हो गया था जी फिर थोड़ा मेरा दिक्कत हो गई थी जी उस कारण तय हो गई पहलवान जी अब की बात करें तो ये टीम तैयार है दोबारा फिर ग्राउंड पान खातर हाँ भाई पूरी तैयार है इब अगला सीजन में जो तो कोरोना की उसका चल रहा जो जी इसका कुल दे पूरी तैयारी में टीम जी जी पहलवान जी नरेंद्र सिंह की कितनी तैयारी है टीम में वापसी करने खातर
अपनी तरफ तो देख पूरी तैयारी है जी। और भगवान देख बताओगा जी। तो मतलब जो कि आपके फैन है, आपके दर्शक है, अभी मतलब अब की बार मतलब नरेंद्र सिंह को दोबारा देख सकते हैं टीम में। हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल। पहलवान जी, बात करें हरियाणा खिलाड़ियों की, बात करें बहुत सारे खिलाड़ी हरियाणा छोड़कर पंजाब के खेलने चले जाए, क्या कारण है ये? उनका पास भी वो जो बैकअप है वहाँ आदमी ने उपरांत चढ़ा दिया अपना थोड़ा स्कोप कौन कर दे बालक ने, यू है बस। पहलवान जी, कोई कारण ऐसा है कि ना खेल कमेटिया में कोई कमी हो हरियाणा की जो खिलाड़ी वहाँ जावे? कमी तो यह है वह थोड़ा ये तो जोर लंबे खेल चला तोड़ दें बालक ने जी। एक तो करा चार चार दिन खेल चला दें जी, उड़े एक दिन में खेल कर वो करते हैं बालक में एनर्जी भी जी रही रहे जी। पहलवान जी, हरियाणा में आप बात करो तो खेल कमेटी आपने कौन सी सबसे बढ़िया लगा जो निष्पक्ष और मतलब ईमानदारी से खेल कराती हो और ईमानदारी से मान सम्मान करती हो उस खिलाड़ियों का? कोई ना भाई, इसी तो कुछ है नहीं जी, उन्होंने को पाजे तो बेसक ना तो तकरीबन है नहीं सी एक बाजी सी, मतलब जो खिलाड़ियों का मान सम्मान बढ़िया करे ईमानदारी से। हाँ पहलवान जी, कभी विदेशी टूर का कोई बनाया हो आपका प्रोग्राम है? ना भाई जी। पहलवान जी, आगे कुछ तैयारी है विदेशी टूर की? भाई जरूर भाई, मैंने विदेश में भी खेलने जाना है कुछ ऐसा। देखो भाई जय हो जय तो जी। पहलवान जी, कमेटिया की बात करें तो कमेटियों को अपने अंदर क्या मतलब बदलाव करने चाहिए जो कि अच्छा खेल करा सके? एक तो भाई टीम तो मैच हो जाए, इफ जो जाडे आगे धुंध पड़ेंगी जी, घर के भी बाट देखे हैं बालक की वहाँ को डुबाव हमारे बालक ड्राम के हादसा हो जाए धुंध में पता नहीं लगता। पहलवान जी, पता नहीं लगता, एक बकर आया है 1500 भाई किसी का काम को न चलता। सही बात पहलवान जी, कराया बालक ने पूरा चाहिए घर के कड़ते ही देंगे जी। पहलवान जी, यह है भाई थोड़ा टेम तो मैच करा दें जी, रात के मैच नहीं होने चाहिए ज्यादा, दिन के होने चाहिए। हाँ 8-9 बजे तक बस। पहलवान जी, आपने बताया कि ना ये चीज कमियां थी जो कि हरियाणा के खिलाड़ी पंजाब जावा है खेलने, आप भी कभी गए हो पंजाब खेलने जी? हाँ भी खेलने गया था। अच्छा जी, कुछ इनाम जीते हो वहाँ पे कुछ ऐसी कुछ जी? ना अकेडमी है मैच खेले उड़ा। अच्छा, क्लब है जो कर क्लब हो गए मैच जी। हाँ पहलवान जी, कौन से क्लब और अकेडमी के लिए खेल रहे हो आप वहाँ पे? मेरी प्री स्पोर्ट्स क्लब जी, यूज तो खेले थे भाई 2-3-4 बार खेले थे जी, उसकी उस तो खेले। हरियाणा के और भी खिलाड़ी थे जी आपके साथ वहाँ पे? हाँ संदीप था, कृष्ण था, बिल्ला था जी, मितू था जी, प्रवीण था जी, कई जने थे भाई। पहलवान जी, आपने बताया कि ना ये खिलाड़ी वहाँ पे खेले, मान सम्मान की बात करें किस हक मान सम्मान करे वहाँ के कमेटियों ने? मान सम्मान बढ़िया करे बाबू ने। अच्छा जी, हाँ यहाँ के मुकाबले कहीं ना कहीं घना बढ़िया करे? हाँ आड़ा तो बढ़िया करे। पहलवान जी, हरियाणा में भी 2 लीग हुई थी पीछे ही, उसमें भी आप खेले थे? हाँ खेले, टीमों में खेले थे जी। पहली तो भाई पानीपत थी जी, पानीपत पांडो जी, पहले दूसरी थी चौधरी टीकाराम जी, उसमें खेल लेता जी। पहलवान जी, इनाम के जीते तो उसमें कुछ बेस्ट भी रहे थे ना? तीस मितू था बेस्ट रेडर जी, दूसरा दीपक कुंभा था जी, तीसरा मैं था। पहली बार जो की बाइक की बात करें पहलवान जी, किस जीते थे? उदयपुर जीते था भाई। तो पहलवान जी, किसी एक खुशी हुई थी भीतर मन में और घर वाले ने किसी खुशी हुई थी? बस खुशी तो सब ने पता भाई, और घर क्या गा भी नुबेरा जब बालक जीत के आवे है तो के खुशी महसूस हो है जी, कहीं ना कहीं हौसला बढ़ाया था जी। हाँ पहलवान जी, आपने बताया कि ना आप पानीपत की टीम में भी खेले हो और अपने उधर टीकाराम में उसमें भी खेले हो, तो पहलवान जी आपने बेस्ट आने की सोची थी कुछ के ना भाई मैं बेस्ट आना चाहता हूँ या फिर मेरी बेस्ट की तैयारी है और वहाँ तक पहुँच कब रह गए हो? हाँ भले, या तो सभी सोचे हैं भाई मैं आज हूँ मैं बेस्ट आज हूँ जी, फिर नू थोड़ा कुछ मेरा चोट भी लगी थी एक मैच में जी, उस कारण ते थोड़ा रह गया था जी। पहलवान जी, हरियाणा की सरकार की बात करें, सर्कल कबड्डी को नेशनल गेम से बाहर कर दिया? हाँ कर दिया भाई।
पहलवान जी कहीं ना कहीं खिलाड़ियों का ना रोजगार का जरिया या फिर आप मान लो कि ना उनको एक रोशनी मिलती थी जहाँ तक, वो ही बंद हो गया, रास्ता बंद हो गया, तो आप इस कदम को किस तरह मानते हो? गलत है भाई, सरकार ने सोचनी चाहिए भाई प्लेयर ने नौकरी दे जी, थोड़ा बालक का हौसला बढ़ है, हौसला बढ़ता है जी, और खेल रहे हैं जी, नौकरी देने तो दूसरे बालक भी खेल रहे हैं जी, खेल नीति का आगे बढ़ावा मिला है जी, यू ये कहेंगे भाई सरकार ने भाई इस खेल ने थोड़ा ऊपर उठाने की कोशिश करे जितना भी हो सके। पहलवान जी क्या खिलाड़ियों ने कदम उठाना चाहिए सरकार द्वारा, जाना चाहिए कि भाई किसको खेल नीति में लाया जाए, नए खिलाड़ी या पुराने खिलाड़ियों ने इकट्ठा होना चाहिए? हाँ सारे खिलाड़ियों ने इकट्ठा होगा भाई, सरकार तो दौर जाना चाहिए, मंत्री दौर जाना चाहिए, अपील करनी चाहिए भाई हमारा खेल उपरान ले आओ जी, या ये रिक्वेस्ट करके कहूँगा जी। पहलवान जी आपकी आपकी तरफ से क्या कदम रहेगा अगर और भी खिलाड़ी इकट्ठे होते हैं तो? यू ऐसा होगा भाई इकट्ठे होगा सारे जने चल लाँगे जी, रिक्वेस्ट कराएंगे भाई हमारा खेल उपरान ले आओ, नौकरी मिलेगी और बालक अगान बढ़ेंगे। बिल्कुल जी बिल्कुल, यह रिक्वेस्ट है भाई। पहलवान जी पीछे ही ना एक बात सी चली थी कि ना पंजाब की तरह भाई यहाँ भी हरियाणा में भी एक फेडरेशन आएगी, तो फेडरेशन वाला गेम ठीक है कि ये जो कमेटियाँ कराती है गेम ठीक है? फेडरेशन वाला ठीक है भाई जी, ये कमेटी वाला तो हो गए है जी, या फेडरेशन हो जाए तो और भी बढ़िया है जी, इस तभी और अगान उपरान कबड्डी जाओगी। कुछ फायदे हो सके पहलवान जी गेम में इसमें? हाँ फायदे तो सही है भाई। पहलवान जी जो कि नए खिलाड़ी उभरते खिलाड़ी है उनको आप क्या संदेश देना चाहते हो? ये संदेश देना चाहे भाई अच्छी प्रैक्टिस करो जी, अच्छा घी दूध खाओ पियो, नशे की ओर ना जाओ जी, यह सलाह देंगे भाई जी। धन्यवाद पहलवान जी, हम भी चाहते हैं आप भी दोबारा फिर टीम में वापसी करो और एक बढ़िया प्रदर्शन लोगों को दिखाओ, अपने दर्शकों को दिखाओ। धन्यवाद जी। ठीक, तो ये थे हमारे साथ हरियाणा की आन बान शान, हरियाणा के बेस्ट रेडर नरेंद्र सिंह जी। तो ऐसे ही खिलाड़ियों से मिलते रहेंगे, तब तक आप सभी दर्शकों को नमस्कार। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर जरूर कर दियो।